आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। जैसे कि अभी मैंने ये बात सुनी है कि हम अपने माँ बाप से कभी बिछड़ जाते हैं, जैसे कि कहीं दूसरे शहर में सो जाते हैं, तो हमें पहले डायरेक्ट उसको फोन नहीं करना चाहिए। हमें पहले ही देखना चाहिए कोई हमारे आस पास आंटी हो, किसी जैन संकल्प से नहीं कहना है, हमारे पास कोई आंटी हो तो हमें उनसे फोन लेना है और उन्हें भी पूरी अपनी बात नहीं बतानी है। हमें पहले उन्हें फोन करना है 1098, इसका फोन करना है, उन्हें अपनी परेशानी बतानी है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे पास कोई ऐसा इंसान तो नहीं खड़ा है जो इन सब बातों को सुन रहा है या हमें कुछ भी गलत टाइप से मतलब देख रहा है, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर हमने फोन भी किया या फिर हमने 112 भी लगा दिया कभी भी, क्योंकि हमारा उस समय पे हमें घबराहट सी महसूस होती है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। अगर पुलिस वाले भी आए तो उनके साथ अगर वो कहें चलो बेटा हम आपको मम्मी पापा के पास छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। उनसे कहना है कि पहले लेटेस्ट पुलिस लेके आइए, हम ऐसे नहीं जा सकते। अगर वो आपसे चिल्ला के ही बात कर रहे हैं तो ये गलत है। कई बार कभी भी पुलिस वाले ऐसे नहीं, अगर वो सही होंगे तो कभी नहीं ऐसे कहेंगे, वो सीधा पुलिस वाले लेटेस्ट पुलिस से बात करेंगे। और अगर लेटेस्ट पुलिस आ भी गई तो हमें उनसे हाई क्या ऐसे जाके बैठना नहीं चाहिए। पहले हमें उनसे आईडी मांगनी चाहिए उनकी कि वो कैसे वो है सच में या फिर ऐसी नकली वर्दी पहन के आ गई है। ये सब ध्यान देना चाहिए। अगर हमें अपने घर में कोई असुविधा हो तो मम्मी को बताना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि मम्मी अपनी फ्रेंड होती है। और कोई बाहर छेड़छाड़ कर रहा हो तो सबसे पहले पुलिस को फोन करना चाहिए। जो प्रोग्राम था ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था लड़कियों के मामले से देखा जाए तो, क्योंकि इस सब में बहुत सारी लड़कियों को इन सब चीज़ों की समझ नहीं होती है, और बचपन से तो होती नहीं है थोड़ी बहुत भी कि हमें कोई कैसे टच कर रहा, ये सब समझ ही नहीं आता। लेकिन जो स्कूल के माध्यम से हमें समझ में आया कि हमें ये सब हमारी बहुत ज़रूरी है, और जब हम अगर अभी खो जाएँ तो हम उस चीज़ का भी याद रखना, सबसे पहले हमें डरना चाहिए, खुद को कंट्रोल करना चाहिए और अपने आप को माहौल देखना चाहिए आगे पीछे का बाकी सबका, फिर उसके हिसाब से ही कोई सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। और बाकी तो सब ठीक ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कोई मुसीबत में है या परेशानी में तो आप इस नंबर पर कॉल करें तो आपको ये महिला पुलिस आएगी आपकी हेल्प। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए
तो सबसे पहले अपनी मम्मी को बताना चाहिए, और अगर अपनी मम्मी को नहीं बता सकते तो फिर अपनी टीचर्स वगैरह से भी हम लोग ये बता सकते हैं उनको भी कि हमारी मदद करेगी हमें, हमें इस स्कूल से और सभी से यही उम्मीद है, और NGO ने भी हमारी पूरी मदद की है। थैंक यू। मैम ये प्रोग्राम कैसा लगा? मैम सर आपने, मैंने जिस तरह से बच्चों को अवेयर किया, अपनी सुरक्षा हमारे ही हाथ में है, सबसे बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी सिचुएशन है हमें अपना स्वयं का दिमाग यूज करना है, खुद से ही अपनी सुरक्षा को समझना है, कैसे कहाँ किस सिचुएशन को कैसे ट्रीट करना है, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड ही हमारी ही समझ हमारे लिए सबसे बड़ा यूजफुल हथियार। मैम ने एक लाइन बोली थी, एवरीथिंग विच इज पेनफुल इज बैड टच। इसको थोड़ा सा चेंज करना है, इंटेंशन मायने रखता है कि अगर कोई टीचर आपको कुछ कह रहा है या आपको मार रहा है, ऐसे मारता तो कोई नहीं है, लेकिन इन केस तो आपको लगे ये बैड टच हुआ, ये बैड टच नहीं, ये आपकी गुड के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, अच्छे के लिए। माँ बाप तो करते ही हैं, टीचर भी माँ बाप का ही रोल करते हैं स्कूल में, बस ये आपके लिए है कि इंटेंशन देखना आपको। जैसे कि आपने अभी अपने NGO के आपके मेंबर्स ने यहाँ पर बच्चों को जो बताया है, ये गर्ल्स स्टूडेंट के लिए और खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह की वर्कशॉप, जिससे बच्चों को अवेयरनेस आती है कि उनके अधिकार क्या हैं, वो किस तरह से किसी गलत सिचुएशन से किस तरह से बाहर निकल सकते हैं, उस समय उनको क्या किस तरह से अपने आप को बचाना है, किस तरह से बिहेव करना है पब्लिकली, जिससे कि वो दूसरी गलत और दूसरी परेशानियों में ना फंस जाएं। इसके अलावा जो हेल्पलाइन नंबर्स आपने बच्चों को दिए हैं, इससे वो अगर वो रिमेंबर रखते हैं उन नंबर्स को, तो वो उनसे उस सिचुएशन में अपने आप को बचा सकते हैं, और उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वर्कशॉप, आई होप सो। जिस तरह भी सर ने और मैम ने आप लोगों को जानकारी दी है, इसको आप एक स्पीच मत समझिए कि मैम ने दिया, ये भाषण समझ के आप लोग भूल जाएँ, तो ज़रूरत पड़े तो आपको जो नंबर्स हैं वो सारे आप लोगों को लर्न होना जाना चाहिए। इसके पहले भी कई बार हो चुका है, और हो सकता कुछ बच्चों ने इसमें हेल्प भी की हो, ऐसा नहीं है, बताया ना वो अलग है। हम चाहते हैं कि अब सभी बच्चे, जितने लोगों ने यहाँ सुना है, अपने घर में जाके अपनी फ्रेंड को, अपने जितने जानने वाले लोग, सभी को ये नंबर्स बताएंगे, और जो जानकारी आपको दी है इस जानकारी को जो आपके फ्रेंड आज यहाँ नहीं आई हैं उनसे आप लोग शेयर करो। वर्कशॉप बहुत ही बेनिफिशियल है, और अगर बीच बीच में प्रोग्राम होते रहेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स ये इसे हमेशा याद रखेंगे और मोटिवेटेड होते रहेंगे, और क्योंकि आज वर्कशॉप को लोग बाद में बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन अगर ये बीच बीच में होते रहेंगे तो इनकी स्ट्रॉन्ग जो भी इनके अंदर हेजिटेशन है वो छूटता रहेगा, और वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि आज जो सिखाया गया है वो आज ही काम आए, ये आपको लाइफ टाइम कभी भी काम आ सकता है। आप अपने छोटे भाई बहनों को मोटिवेट कर सकते हैं तो आप भी सीख जाएंगे और वो भी सीख जाएंगे। सर ने भी बताया ना, शिक्षा दोहरी पद्धति होती है, आप अगर दूसरों को शेयर करेंगे तो आपका नॉलेज और मजबूत होगा और आने वाले छोटे बच्चों को भी मजबूत होगा, तो सभी लोग अवेयर हो जाएंगे तो घटनाएं अपने आप बंद हो जाएंगी। सीधी बात यह, ये ज्ञान जो आप सीखते हो ये छुपा के नहीं रखना है कि हमारी लाइफ में कभी काम आएगा तो यूज़ करेंगे, आपके में नहीं आए अच्छी बात है ना आए, लेकिन किसी के काम आ सकता है, इसलिए इसको शेयर जरूर करना है। आप हर किसी से शेयर करिए, बड़ों से, छोटों से, घर में चाची बहनें दादियाँ जो भी हैं आपके, सबको शेयर करिए, घटनाएं किसी के संग भी घट सकती हैं। जैसा कि कृष्णा मैडम ने कहा है कि ये प्रोग्राम सभी को बहुत अच्छा लगा है, इसलिए इस प्रोग्राम को हमेशा कौन आता है। नव प्रभात इंद्रो के द्वारा जो बच्चों को जानकारी दी गई है बहुत ही कारगर है, और 100% बच्चे तो प्रोग्राम को मान लीजिए नहीं ग्रहण कर पाए होंगे, तो आई थिंक 90% 10% बच्चे तो इसको आज ही ग्रहण कर लेंगे। और आपका सर जो बहुत ऐसे कार्यक्रम हुए हैं महिलाओं पर, इस नंबर के बारे में कई स्कूलों में हमारे कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत आज का बहुत अच्छा लगा, खासकर आपका एक और जो कैमरा के बारे में आपने बताया और रक्षा ऐप के बारे में बताया, ये तो शायद मुझे भी नॉलेज नहीं था, तो हमारे बच्चों को मिलेगा तो उसका बेनिफिट 100% है, एकदम स्लो नहीं है, 100% इसका बेनिफिट है। तो बच्चों को ये ऐप डाउन करना चाहिए। और सर ने एक और चीज़ बताई थी कि जो मतलब सीखने की पद्धति है और ये जो कार्यक्रम गुड टच बैड टच के बारे में बताया गया है, एक कार्यक्रम के माध्यम से जरूर हमारे स्कूल में तो होगा सर प्रोग्राम, हम लोग इसको जरूर करवाएंगे और करना भी चाहिए, इससे जो सीख नाटक के द्वारा सिखाया जाएगा उससे ज़्यादा बच्चे ग्रहण करेंगे और स्थायी रूप से ग्रहण करेंगे। इसलिए यदि आप हम लोग
बार बार आइए, महीने में एक दो बार ये चक्कर जरूर लगाइए, क्योंकि वास्तव में बच्चे भूल जाते हैं नॉलेज नंबर, मतलब बड़े बड़े भूल जाते हैं, तो भी छोटे बच्चे हैं, कोरे कागज हैं। तो ये पद्धति आप बार बार करवाइए, करते रहिए, हमारी भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए, बहुत ही अच्छा लगा कार्यक्रम। ये बच्चों ये नंबर है, ये नंबर को बच्चे से सब लोग रट लो, बहुत जरूरी है। और दूसरी बात सर, आज हमारे सारे बच्चे प्रेजेंट नहीं है, बहुत कम बच्चे हैं, संख्या बहुत कम है, तो अगर एक बार ये प्रोग्राम फिर से हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बाकी बहुत अच्छा कार्यक्रम था, हम नवप्रभात संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आए और आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। हम सब की तरफ से रिक्वेस्ट भी कराइए, नहीं बिल्कुल आएंगे, मैं बिल्कुल आएंगे। आगे भविष्य में इनके बहुत काम आने वाले हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।